Date 25 October 2021. Location Raigarh to Bilaspur. Time whole day. किसने सोचा था कि इस कोरोना के बाद दुनिया देखने को मिलेगा, लेकिन इतने टाइम के बाद आखिरकार मैं इस सफर में अपना पहला कदम बढ़ा रही हूँ, जो कि मुझे मेरी मंजिल विशाखापट्टनम तक पहुँचाएगी। तो वैसे ही दिन की एक नई शुरुआत और एक नई सुबह करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। लो, मेरी बैग पैकिंग भी हो गई चिट्ठियों में। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इतना क्या पैकिंग कर लिया यार, इतने सारे सामान। बट अब कर लिया है तो ले ही चलते हैं, है ना। आप कभी भी सफ़र पर जाओ ना, तो आशीर्वाद जरूर लेते जाओ। यह आपको इस चीज़ का एहसास और सुरक्षित फील कराएगा कि आप कितना भी आगे चले जाओ, बट कोई है जो पीछे आपका इंतज़ार कर रहा। मैंने इतना बोल लिया, बताया ही नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। वैसे आप खुद देख लेना, इतनी मेहनत से इसलिए ही तो वीडियो बना रही ना। वैसे जैसे ये ट्रिप अनप्लान्ड है, वैसे ये वीडियो भी अनप्लान्ड है। वो तो मैं बस हवे हवे में बना रही हूँ, एंड आप उड़ उड़ के देख लेना। ओके गाइस, सो अभी बज रहे हैं 5। मैं वेटिंग रूम में हूँ एंड वेट कर रही मेरी फ्रेंड्स का। मेरी 6 बजे की ट्रेन है। कुकी, माय फेवरेट कुकी। यार जब एक्साइटमेंट होती है ना, तब ऐसा लगता है कि टाइम जा ही नहीं रहा। अब देखो मैं कब से वेट कर रही हूँ, बट ठीक है यार, थोड़ा सा चार्ज ही कर लेते हैं। Wow, the sound of birds stop the noise in my mind. ट्रेन में सफ़र का अपना ही अलग मज़ा होता है, और ख़ासकर अगर आपको विंडो सीट मिली हो। ख़ास इसमें क्या है कि ये पेड़, ये नदी, ये घर सब जाते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। बचपन से मैं ट्रेन से सफ़र कर रही, बट ये हर बारी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होती है। थोड़ा अलोन टाइम, पेट पूजा और सफर हो, फ्रेंड्स हो और गाना ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा है यार, थोड़ा जोर से गाना। अच्छा से गा। अभी तो गाना नहीं गाया है, चल गा।
तू आज ही गाएगा ना, तू आज ही गाएगा ना। चल ये है कि ये मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग है, तो कहीं आपको कोई मिस्टेक लगती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग इससे और भी अच्छा हो। अभी तो स्टोरी बाकी है, सो आज के लिए इतना ही। मैं तो चली सोनी, बाय बाय, टाटा।